नहीं, तुम हमेशा इसको ऐसा क्यों छोड़ देते हो? ओह, ये तो कैविटी है, तुम्हें तो डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। मॉम, मैं अपनी कैविटी को खराब नहीं करना चाहता, उसे ऐसे ही छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन इससे प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा छोड़ दोगे तो और भी ज्यादा दर्द होगा, इसका जल्दी इलाज करना चाहिए। लेकिन मुझे इतनी जल्दी नहीं करनी है, हो सकता है अगली बार ऐसी टेक्निक आ जाए जिससे ये तुरंत ठीक हो जाए। लेकिन तब तक तुम्हारे दांत बचेंगे तब ना शिनचैन। पता है, कैविटी के बैक्टीरिया दूसरे के मुंह में जा सकते हैं। अगर इलाज नहीं किया तो कोई भी तुमसे दोस्ती नहीं करेगा शिनचैन। अगर ऐसा हुआ मॉम, तो कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करेगा और मेरा कोई हालचाल पूछने भी नहीं आएगा। हाँ हाँ, सही कहा तुमने, इसलिए जल्दी इलाज करना होगा। मैं इसे डेंटिस्ट के पास ले जाऊंगा, मेरी भी फीलिंग फिर से निकल गई है। सिर्फ यही डेंटल क्लिनिक संडे को भी शुरू रहता है। बहुत पुरानी बिल्डिंग है ये मैंड्रिल। मुझे ये डेंटिस्ट नहीं चाहिए, चलिए ना किसी और डेंटिस्ट के पास चलते हैं प्लीज। हम ऐसा नहीं कर सकते शिनचैन, संडे को बस यही क्लिनिक शुरू रहता है। मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही है, ये डेंटिस्ट अच्छा नहीं लग रहा, नहीं जाना। सारे डेंटिस्ट एक जैसे ही ट्रीटमेंट करते हैं, परेशान मत करो, हमें यही जाना है। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। मैं भी यहाँ पर पहली बार आया हूँ, प्लीज आराम से कीजिएगा। हा? क्या बोल रहे हो शिनचैन? आपका मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड दीजिए। वो कार्ड तो मेरे डैड के पास है, आप उन्हीं से मांग लीजिएगा। ये तो डैड, सब कुछ ठीक तो है ना? ये बहुत पुराना है। घबराओ मत, दूसरे पेशेंट्स भी आते ही होंगे, तुम बस शांत बैठो। डॉक्टर, डॉक्टर उठिए, पेशेंट आए हैं, देखिए यही बैठे हैं। मैं बहुत दिनों बाद चेकअप करूंगा, मेरी कमर। तो ये है हमारे डॉक्टर। हाँ, ये क्लिनिक उनका ही है, वो है डॉक्टर नुकुजुहाओ। डॉक्टर नुकुजुहाओ, मुझे अपने दांत नहीं निकलवाने हैं। घबराओ नहीं बच्चे, प्लीज मेरा इलाज आप ही कर दीजिए। बस बहुत हुआ, मैं तो बस असिस्टेंट हूँ, आई एम सॉरी। सर, आप अंदर चले जाइए। ओके। हेलो डॉक्टर। डैड, मैं फिर से यहाँ कभी नहीं आऊंगा। डॉक्टर उठिए डॉक्टर। मैं फिर से सो गया था, आपको क्या प्रॉब्लम है बताइए। मेरी फीलिंग फिर से निकल गई है। इनकी दांत की रूट कैनलिंग कर दीजिए प्लीज। रूट कैनलिंग? नहीं, बिल्कुल नहीं, इससे मुझे बहुत दर्द होगा। रूट कैनलिंग कर लीजिए प्लीज। और तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ। चलो 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 चलो। ठीक है, चलिए अपना मुंह खोलिए। तो बताइए कौन सा दांत है? राइट साइड में पीछे वाला। क्या हुआ? ये चम्मच और फोक है ना, मैं कोई खाना नहीं हूँ, यहाँ इलाज कराने आया हूँ। गलती हो गई। प्लीज ध्यान से। फिर से बताओ क्या प्रॉब्लम है उस दांत में? उसकी फीलिंग फिर से निकल गई है डॉक्टर। डॉक्टर, इनकी रूट कैनलिंग कर दीजिए। हाँ, मैंने कहा ना, मुझे वो नहीं करवाना है, बार बार मत बोलो। आप रूट कैनलिंग कर लीजिए और तुम मेरे साथ आओ, हम कॉमिक बुक पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अपना मुंह खोलो। अरे डॉक्टर, आप ठीक तो है ना? मुझे अपने आप को संभालना होगा, मैं शिनचैन का डैड हूँ, उसके सामने मुझे स्ट्रॉन्ग रहना होगा। तो मिस्टर नोहारा, आपको कहीं खुजली तो नहीं हो रही है ना? नहीं, ऐसा तो नहीं है। प्लीज जरा संभल कर कीजिए। आप हिले थे, गलती आपकी है। तुम फिर यहाँ आ गए, तुम्हें अपने डैड के पास रहना है क्या? दरअसल मैं अपने डैड को थोड़ा रिलैक्स करना चाहता था। तुम बहुत प्यारे बच्चे हो। ओके, अपना मुंह खोलो, अब तुम्हारा इलाज करेंगे। जैसा चल रहा है चलने दो। डैड को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर को अपना काम करने दो, तुम्हारे डैड ठीक हो जाएंगे। तुम्हारी फीलिंग निकल गई, कैविटी बड़ी हो गई है, अब इलाज करवाना होगा। स्पेशल टेक्निक है, कैविटी को खत्म कर देगी। नुकुजु आ गया।
अच्छा सुनो सुनो, हम भी डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं ना, चलो खेलते हैं। ये छोटी सी कैविटी यहाँ भी है, ये यहाँ भी एक कैविटी है। इतना आराम कैसे मिल रहा है? इनका इलाज तो बहुत आरामदायक है, दर्द नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं। ओके हो गया। बताइए आपका प्रॉब्लम। इतना जल्दी हो गया, कमाल है। नहीं, अब मैं मैडम के साथ नहीं खेल पाऊंगा। ओह शिनचैन, अब तुम्हारी बारी है। प्लीज आप मेरा हाथ पकड़ के रखिए ना, ताकि मुझे दर्द का एहसास ना हो और अच्छा लगे। घबराओ मत शिनचैन। ओके अपना मुंह खोलो बेटा। अब मुझे डर की बात समझ में आ रही है, सच में बहुत डर लगता है। ओ, कैविटी मिल गई, बड़ी वाली है ये। ओके हो गया बेटा। बिल्कुल डर नहीं हुआ। मैंने बोला था ना शिनचैन। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। मैंने उसको अपने सीक्रेट मेडिसिन से कोट कर दिया है, जो मैं लंबे समय से करता आ रहा हूँ। ये तो सॉस है। ओके मैं आपको बिल देती हूँ, प्लीज वेट कीजिए। ये डॉक्टर तो बड़े ही कमाल के हैं, लेकिन क्लिनिक इतना खाली क्यों है? ऐसा नहीं बोलते शिनचैन। वैसे यहाँ पे पेशेंट्स क्यों नहीं आ रहे हैं? मुझे पता नहीं। यहाँ पेशेंट क्यों नहीं आते? दोनों को भी नहीं पता है।